ये है वो मेन गेट राजबाड़ी का। और आज एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर है। ये व्लॉग है बेसिकली बहुत वीकेंड में लोग ढूंढते हैं कोलकाता से कहीं बाहर जाने के लिए, एंड बहुत सारे लोग ऐसे वीकेंड स्टे नहीं भी करना चाहते। इट्स लाइक डे आउट की सुबह निकले और शाम को घर वापस आ गए, तो उसके लिए ये जो जगह आज हम लोग घूमने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आज हम जा रहे हैं खाली शहर काचरापाड़ा घूमने। हमने शियालदा से ट्रेन के टिकट ली काचरापाड़ा तक। इट कॉस्टेड अस 15 रुपीस पर पर्सन। घर से 9 बजे निकलना था बट हम लोग काफ़ी लेट निकले और संडे होने की वजह से ट्रेन भी बहुत कम थी। सो फाइनली वी गॉट कृष्णनगर इंटरसिटी लोकल। और काचरापाड़ा पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 12:15 हो गया। खैर टोटो ऑलरेडी बुक था हमारे लिए, सो हम चढ़ गए। ये रहा हमारा काफिला, हम लोग अभी चल रहे हैं, चल पड़े हैं। और भूख भी काफी लगी थी सबको क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने किया ही नहीं था, तो सीधे चले गए लंच करने। भूखा पेट थोड़ी ना घूमा जाता है। हम एक होटल पे पहुंचे। बाय द वे वेस्ट बंगाल में ऐसे रोड साइड ईटिंग जॉइंट्स को होटल ही कहते हैं। सो वी टुक फिश मील जिसमें राइस थी, दाल, सब्जी और एक फिश था, और इस थाली का कॉस्ट था 80 रुपीज। और इसके बाद मीठे में कुछ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, सो वी टुक बंगाल स्पेशल मिष्टी दोई जो कि 25 रुपीज की थी। एंड देन फाइनली हम लोग हमारे पहला जो डेस्टिनेशन है उसके ओर चल दिए, हंसेश्वरी मंदिर जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप बाय कार आना चाहते हैं तो कल्याणी एक्सप्रेस वे पकड़ के आपको हंसेश्वरी आना पड़ेगा, रोड साइड पार्किंग की जगह है। और बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो फिर हमारी तरह काचरापाड़ा तक ट्रेन लेके वहाँ से आप टोटो बुक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर हावड़ा से भी आप लोकल ट्रेन लेके बांसबेरिया उतर के वहाँ से भी टोटो लेके आप यहाँ तक आ सकते हैं। 1799 में श्री नृ सिंहदेव इस मंदिर के निर्माण कार्य शुरू करते हैं, पर 1802 सन में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है और मंदिर का काम अधूरा रह जाता है। फिर उनकी छोटी रानी रानी शंकरी देवी 1814 सन में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करते हैं। एंड वी कैन सी अ रॉयल पैलेस हियर जिसको बंगाली में हम लोग कहते हैं राजबाड़ी। कहा जाता है कि जो पत्थर से ये मंदिर बनाया गया था वो लाया गया था उत्तर प्रदेश के चुनार से, और जो कारीगरों ने इस मंदिर को बनाया था वो थे राजस्थान के जयपुर से। मंदिर के काम अगर आप गौर से देखेंगे तो उत्तर राजस्थान में जो शेखावती हवेली है उसके साथ काफी सिमिलैरिटीज दिखेगी आपको। तब के समय में इस मंदिर को निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा गया था। कैन यू बिलीव इट, यहाँ जो काली माँ की मूर्ति है ये हंसेश्वरी के नाम से जाने जाते हैं, और इस मूर्ति का नीचे से अगर आप देखेंगे जो बेदी है और महाकाल जिनके ऊपर काली माँ स्थापित है और मतलब शिव जी की जो मूर्ति है ये दोनों ही पत्थर से बने हुए हैं, पर माता की मूर्ति जो है वो नीम के पेड़ के लकड़ी से बनाया गया है। कहा जाता है ये जो लकड़ी है ये बनारस से तैर के आया था, मतलब गंगा में बह के इतनी दूर आ पहुंचा और उसी से ये माता की मूर्ति बनाई गई।
ये जो मंदिर है ये 220 साल पुरानी मंदिर है एंड करेंटली इट इज अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मंदिर ओपन होता है सुबह 7 बजे और बंद होता है शाम को 7 बजे। अगर आप यहाँ भोग खाना चाहते हैं तो प्रसाद का कूपन मिलता है जो आपको सुबह सुबह आके यहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है। इस मंदिर के बगल में ही और एक पुराना मंदिर है जो कि 350 साल की पुरानी है और इनको कहा जाता है अनंत वासुदेव की मंदिर। अनंत वासुदेव मंदिर इज ऑल्सो अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल अलाउड नहीं है, सब बंद कर दिया गया है। अगर आप लोग कोई YouTube चैनल से है, अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो आपको प्रायर परमिशन यहाँ से लेना पड़ेगा वीडियो करने के लिए। तो मुझे अंदर स्टॉप कर दिया गया, तो मैंने एक साइड से जगह खोज लिया है, वहीं से मैं फिलहाल ये वीडियो कर रही हूँ। ये मंदिर दर्शन करने के लिए परमानेंटली बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण टेराकोटा का काम है और लोग यहाँ आके इस पे अपना नाम लिख रहे थे, इसको तोड़ तोड़ के खराब कर रहे थे। So no videography is allowed, only you can take photos. I am showing you some stock footage. मेरी मम्मी एक साल पहले यहाँ आई थी और उस टाइम ये मंदिर खुला हुआ था, it was open for public. तो तभी मम्मी ने कुछ shots लिए थे। 1679 को ये मंदिर निर्माण किया गया था। ये विष्णु मंदिर है और इसको राजा रामेश्वर रॉय ने निर्माण किया था। Now coming to this heritage site, this royal palace, this looks vintage and gives you that absolute Maharaja vibe. This belongs to Datta Roy Zamindar family. Earlier they used to live in Bardhaman, Pachuli. Inki family jo hai wo Mughal Badshah Akbar ki bahut hi kareeb the. That's why Akbar gave them the title Roy. Aur later Jahangir ne inko Mazumdar ka khitab diya tha. अभी भी यहाँ इनके डिसेंडेंट्स रहते हैं। हर साल पूजा में यहाँ दुर्गा पूजा होता है एंड ऑब्वियसली ऑल द रॉयल फैमिलीज कम हियर एंड द सेलिब्रेट। एज यू कैन सी कि अंदर जाना मना है विदाउट परमिशन। मजा आया बहुत, मन में इतना आनंद। फिर इसके बाद 6 महीने और बोलिएगा नहीं कि कहीं घूमने चलो, ठीक है? यह आपका लास्ट ट्रिप है, आपको ही तो ब्लॉग बंद हो जाएगा 6 महीना। आप नहीं, मैं घूमूंगी, तुम घर पे रहना। हम घर पे रहेगा, अच्छा ठीक है, हम पीछे पीछे जाएंगे फिर घर पे आएंगे लौट के। मैडम कैसा लग रहा है आपको? लड्डू फूटा फूट रहा है अभी, अभी खत्म नहीं, अभी बाकी है, अभी बाकी है, तो बस शुरुआत है। हाँ बस एक ही स्पॉट हुआ है, इसके बाद हम बोटिंग करेंगे। मन में है, दिखा जाए क्या होगा। और ये मैडम चलते चलते जहाँ भी सीट मिलता है ये बैठ जाती है, 5 मिनट भी खड़े रहने का इनका कोई क्षमता नहीं है। खाने के बाद बैठ गई, इधर आके बैठ गई, टोटो में बैठी है। कैसे होगा, आपका डाइट भी नहीं हो रहा है, वॉकिंग भी नहीं हो रहा, कैसे होगा फिर? लेकिन मैडम को आज बहुत अच्छा स्मार्ट लग रहा है, सुंदर सुंदर अति सुंदर लग रहा है। जो तो तस्वीर उठा है और फेसबुक में एक एक करके देंगे, आपका बॉयफ्रेंड पक्का हो जाएगा। हाँ होगा ही, एक फोन पे बिजी है, कितना यंग लग रहा है, एक साथ करता है, काम भी एक साथ चल रहा है। हाँ काम भी एक साथ चल रहा है और
गाइड भी हम लोगों को ये आज के लिए आज के लिए गाइड विथ फ्रेंड्स। आप लोग तो पहले से ही आया है, हम गाइड होने से क्या है, इसीलिए तो बोला है आप जाइए हम रुकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे होता है, एक साथ मिलके घूमना वो आनंद ज्यादा मिलते हैं। आप एक जगह पे खड़ा रहेगा, हम लोग घूम रहे घूम के देखेंगे। नहीं ठीक है, तो यहाँ से हम चल रहे हैं अभी, बहुत फोटो वोटो सब खींच लिए हैं, वीडियो बहुत हो गया है। गर्मी भी आ गया, हाँ काफ़ी गर्मी है अभी, समर मतलब इट्स मिड फेब बट टू हॉट, पर हमको तो ठंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समर जितना हो हम झेल लेंगे, ठंडी नहीं झेल पाएंगे, तो हमको तो मतलब ठीक ही है, उतना भी गर्मी नहीं लग रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड स्पॉट, वो कौन सा स्पॉट है वो तो हम जाके ऑब्वियसली आपको बताएंगे। सो Sayonara from here and see you in the second spot.